हमने ट्राइफिकेशन करने के बाद हमारी सरकार थी शीला दीक्षित जी की, हर वक्त पैसे दिए, ना कभी स्ट्राइक हुई, ना कभी तनख्वाह रुकी, ना कभी पेंशन रुकी, ना किसी को दिक्कत आई, क्योंकि हम न सौतेली माँ थे, हम न सौतेले बेटे थे। अभी तो जो लड़ाई है ये दो बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, सौतेली माँ और सौतेली बेटे की ये नुरा कुश्ती के बीच में आप ये लेके आए हो। अब थोड़ा इतिहास को देख लीजिए। अभी अभी हमने मैंने एक फिल्म देखी दसवीं, जिसमें अभिषेक का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, जो इतिहास से ना सीखता है वह इतिहास बन जाता है। थोड़ा सा इतिहास से सीख तो लीजिए आप। हमने बहुत सीखा है, हमने बहुत सीखा है और अपने आप को बदला भी है। हमने हार भी देखी है, हमने जीत भी देखी है। ना हम जीत में अहंकार पे बैठे हैं, ना हम हार से मायूस हुए हैं। हम वो ताकत है जो लड़ते हैं, गिरते भी हैं पर संभलते हैं और दुगनी ताकत से लड़ते हैं। तो हमारी चिंता मत कीजिए, आप लाइए, आप मेयर इन काउंसिल लेके आइए, हिम्मत है तो वो भी करके दिखाइए। और जो कहते हैं कि हम पावर हंग्री हैं, मान्यवर ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो जरा आईने में अपना चेहरा एक बार देख ले, उन्होंने क्या क्या किया। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, 2014 से लेकर अब तक देश में कई चुनाव लड़े हम, कई चुनाव हारे भी, कई चुनाव जीते भी। न हमें हारने का भय है, न जीतने का अहंकार है। मान्यवर हम तो वो पार्टी से आते हैं जिनके कभी लोकसभा में दो सदस्य हुआ करते थे, और वो दो सदस्य देखकर कांग्रेस की ट्रेजरी बैंक से ताने लगाए जाते थे, हम दो और हमारे दो। शक्ति सिंह भाई ने ठीक ही कहा, जो इतिहास को भूल जाते वो इतिहास बन जाते हैं। शक्ति सिंह जी, ये कहावत नहीं, मैं तो सदन में ही देख रहा हूं, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास ही बन जाते हैं। जो ताने लगाते थे साहब हमें कि हम दो हमारे दो, उनको मालूम नहीं था लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान परिवार नहीं होता है, 130 करोड़ की जनता हो, 130 करोड़ की जनता हो। और आज भी मैं कहता हूं, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। हम नहीं भूले इतिहास को,